अरे क्या बात है चिंटू की मम्मी, आज बड़ी सुंदर लग रही है एकदम राजकुमारी। सो मच। आज बड़ा रोमांटिक लग रहे हो, क्या अरे ना ही रे पगली, खाली बैठे थे तो सोचे मजाक ही कर ले। अरे बात है? अच्छा ये बताओ, हमको सोने की चैन कब दोगे? पगली, जिस दिन तुम हमको चैन से सोने दोगी उस दिन हम तुमको दिला देंगे। और पगली तुमको हम जो कहता हूँ तुम कनवा से सुन के मुहवा से का निकाल देती हो। हम नहीं बताऊंगा रे पगली। अरे बोला ना, प्लीज बताए दो। क्या तेरा मुंह। बोला? कुछ नहीं रे पगली, अच्छा चलो ये बताओ तो, हम तुमको कितना सुंदर लगते हैं? अरे बहुत ज्यादा रे पगली, लगा के फेयर लवली। फिर भी बताओ ना कितना सुंदर। पगली तू इतनी सुंदर लगती है कि जी करता है तेरे जैसे दो चार और ले आऊं। जानो तुम ऐसा कुछ कहो कि जिसे सुनकर मैं खुश भी हो जाऊं और नाराज भी। अरे पगली तू हमारी जिंदगी है रे, लेकिन ससुरी लालत है इसी जिंदगी पे। अच्छा ये बताओ तो, अगर तुमको कोई लड़की फ्लाइंग किस करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ससुरिन ऐसे औरतन से हम नफरत करता हूँ रे पगली। अरे पगली दिवाली आवा था, कुछ स्पेशल बनाओगी या चटनी रोटी बनाओगी? अरे तो ठीक है, काहे नहीं बनेगा, लाओ काजू और मेवा, बनावर थे कुछ स्पेशल। अरे पगली इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? सारे पैसे तो दारू और जीवों में उड़ा देते हो, तो कहाँ रहेगा तुम्हारे पास? अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ पगली धनतेरस पे का लोगी? अब तुम ही बता दो, कहाँ दोगे? हम तो सोच रहे हैं तुमको एगो लोहे का तगड़ा दे दूं। अरे कैसे भूल सकता हूँ उस पतली और काली आंखों वाली को, आज भी वो हमारे सपना में आवत है। और जाओ दिवाली का सामान खरीद के लाइयो, समझे कि नहीं? और सुनो, क्या क्या लाना है? 15 किलो मिठाई, नए नए बर्तन, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, और चिंटू के लिए पटाखे लाना मत भूलना। और एक को सामान कम हुआ तो यह बेलना खींच के तुम्हारे मुंह पे मारेंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझे कि नहीं? अब निकल लो, जाओ जल्दी से लाओ यार।